नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन करूँगी, जो आपके प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुके हैं और ये टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ। आइए देखते हैं मैं एक साल आप कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, हमारा पहला ये आपका एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ये भी आपका एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। अब ये आपका देखते हैं, यदि आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो बहुत ही जल्दी इसका आप जो है पहचान कर सकते हो कि कौन किससे रिलेटेड है या कौन सा प्रोजेक्ट किसने बनाया है, किसने किया है। अब देखिए हमारा अल्बर्ट मेयर, अब यदि आपने पढ़ा होगा अल्बर्ट मेयर ने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है तो आप इसका निशान लगा सकते हो। तो मुझसे अल्बर्ट मेयर ने जो है इटावा पायलट प्रोजेक्ट बनाया है। क्या बनाया है? इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है इसकी मतलब इन्होंने अल्बर्ट मेयर ने किया है। अब आपका आता है रविन्द्रनाथ टैगोर, अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन से प्रोजेक्ट किया था, ये आपका इसमें सेवाग्राम है कि मारखंडा है कि गुड़गांव है कि श्रीनिकेतन है। यदि आपने पढ़ा होगा तो तुरंत आप दिमाग जाएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट या कि श्रीनिकेतन संस्था की स्थापना किया था। अब आता आपका एफ एल ब्रेयन, अब एफ एल ब्रेयन ने क्या किया है, सेवाग्राम मारखंडा की गुड़गांव। अब आपका दो हो चुका, तीसरा आपका है जो एफ एल ब्रेयन ने जो है गुड़गांव प्रोजेक्ट की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा आता है एम के गांधी, महात्मा गांधी ने जो है बहुत ही ये सभी लोग जानते होंगे, यदि आपने पढ़ा होगा तो महात्मा गांधी ने मुख्य रूप से आपका सेवा ग्राम प्रोजेक्ट की स्थापना किया था। देखिए बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हो यदि आपको चीजें पता होंगी। नेक्स्ट हमारा है इस पंचर हैच ने, तो अगर इस तरह से आए कि उतने ही आप लगा सकते हो, कभी कभी एक या दो ज्यादा देते हैं, लेकिन जब आप ज्यादा तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज होगा कि कौन सी प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है। डिस्पेंसर है इसमें, तो आपका एक ही बचा है तो आप कह सकते हो मारथेंडम प्रोजेक्ट की स्थापना किया था। तो ये हो गया आपका कि जो आपके प्रोजेक्ट चलाए गए थे। अब आते हैं, अभी इसको मैंने कल ही आपको बताया था, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये देखिए उसी से तरीके का क्वेश्चन आपका है, ये आपको मैं बताऊं कि हु सेज मतलब कौन हुआ, सोर्स जिसने जो है मैसेज को किया है, मतलब कि कंट्रोल किया है, जिसने मैसेज को प्रोवाइड किया है, दिया है। तो इसमें मुख्य रूप से आपका होगा कि कंट्रोल रिसर्च, यानी हु से मतलब कौन जो सूचना को दे रहा है, जो सूचना को मतलब कि प्रोवाइड कर रहा है, उसी को हुई, उसी के हाथ में सारी चीजें रहेंगी तो क्या होगा, कंट्रोल रिसर्च से संबंधित है। अब आपका सेज व्हाट यानी क्या कहता है, अब क्या कहता है मतलब क्या चीज दे रहा है, वो क्या बता रहा है, तो दैट इज कंटेंट। क्या आ जाएगा, कंटेंट का मतलब मैटर। अब आपका कहता है इन व्हिच चैनल, यानी किस चैनल के माध्यम से वो बता रहा है, अपनी कम्युनिकेट कर रहा है लोगों को, तो दैट इज चैनल इज अ मीडियम, मैंने आपको बताया ही, तो आपका ये आपका मीडियम हो जाएगा, मीडियम रिसर्च। अब इसके आप कहता है टू होम, होम का मतलब किसको, किसको दिया जा रहा है या किसको कम्युनिकेट किया जा रहा है, तो यानी आपका ऑडियंस होगा जो रिसर्च, ऑडियंस रिसर्च होगा टू होम। लास्ट में आपका आता है विथ व्हाट इफेक्ट, ये किसका मॉडल है, ये लॉसवेल का आपका मॉडल है। अब व्हाट इफेक्ट का मतलब क्या प्रभाव पड़ा, तो इफेक्ट से भी ऐसे लगा सकते, इफेक्ट रिसर्च और कुछ अगर पता होगा तो आप आसानी से इसको आप लगा सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी रिसर्च, तो फ्लेक्सिबिलिटी रिसर्च किसी से संबंधित नहीं है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि ये मैंने आपको बता भी चुकी हूँ और आपके ये क्वेश्चन आया भी है कि डायबिटीज मेलाइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं इसमें कौन कौन सा है और कौन सा नहीं, इसमें केवल आपको खोजना है कौन से डायबिटीज मेलाइटिस के सिम्टम है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपको कमेंट में लिख करके हमें बताना है। और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट में इसका आंसर जरूर से जरूर दीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।